बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर, वेलकम टू माय चैनल। वीवर, आज के इस डिस्कशन में हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि किस तरह हम एक पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, यूरोलॉजी या पेडियाट्रिक्स या दूसरे जो सब्जेक्ट मेडिकल टर्म्स है उसमें हम एक पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह लेंगे। और हिस्ट्री टेकिंग हमारे साथ है क्या? हिस्ट्री टेकिंग बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमारे साथ इंक्लूड होता है जो इनिशियल अप्रोच होता है किस चीज़ की तरफ, पेशेंट की तरफ, और जो कलेक्शन होता है किस चीज़ की, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन की, सिम्टम्स की, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉजेज की, जो हमें ज़ाहिर कर देती है एक अहम स्टेप, एक अहम इकदाम किस चीज़ में, एक पेशेंट के डायग्नोसिस में। इसके बाद जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होते हैं, जो हमारे साथ लेबॉरेटरी डेटा, रेडियोलॉजी फिल्म, ये जिस तरह एक्सरे वगैरह हो गई, ये भी हमारे साथ किस चीज़ में आती है, हिस्ट्री टेकिंग में। और ये एक डिज़ीज़ के डायग्नोसिस में एक अहम स्टेप और एक अहम किरदार अदा कर देती है, और हमारा जो वक्त है उसको भी ख़ास बना देती है और उसको भी बचा देती है। बग़ैर किसी हिस्ट्री टेकिंग की, यानी इस इनिशियल स्टेप के बग़ैर जो है, जो यूरोलॉजी की जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो हमारे साथ क्या है, नामुकम्मल है। आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कुछ टिप हिस्ट्री टेकिंग के मुताबिक। द ग्रेट गिफ्ट इन हिस्ट्री टेकिंग जो है, ये एक बहुत बड़ा तोहफा है जो एक पेशेंट आपको देता है, ताकि आपकी जो तवज्जो, आपकी जो अटेंशन और दूसरा जो रिस्पेक्ट, यानी एक सिम्टम्स और उस बीमारी की तह तक पहुँचने में आपको एक मौसर राह मिल जाता है। बेसिकली जो पेशेंट अपने सिम्टम्स बता देता है, जो उसकी हिस्ट्री है, ये आपको उस बीमारी की तह तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा कर देती है। और ये पेशेंट की जो ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रस्ट होती है, जो उस सारे टाइम जो है, और वाज़ अवकात कर इस पर गलत कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए कि आपके जो सिम्टम्स है ये ठीक नहीं है वगैरह है, बल्कि आपको हंसना चाहिए, क्योंकि इसलिए हिस्ट्री टेकिंग जो है आपको एक अहम राह, जिस तरह हमने पहले भी कहा, एक डिज़ीज़ की तह तक पहुँचने में एक अहम किरदार अदा कर देती है। और ये एक बेहतरीन रिलेशनशिप है पेशेंट और डॉक्टर के बीच, और ये हमें सलाह देते हैं। आज जो तमाम इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, यानी एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच रहना चाहिए, इसको आगे बाहर और लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं बताना चाहिए। एक पेशेंट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है बगैर किसी रिलेशन किसी और बंदे को, ये हमें एक ये जो है एक बेहतर चीज़ है, ताकि हम इसको नोट करें और इसको ऊपर एक साफ सा मुमकिन सा और इसके तौर पर इसको इस्तेमाल करें, और एक शॉर्ट टर्म की और एक स्पेसिफिक टर्म में इसको यूज़ करें। ये फॉर इथिकल, यानी जो फॉजिबल यूजिंग क्लियर, शॉर्ट और स्पेसिफिक टर्म जो है, ये चार इथिकल प्रिंसिपल जो है, ये हमें एक, ये क्या है, एक हिस्ट्री की एक मॉरल, एक कानून सा है। और ये जो है कॉन्फिडेंशली सारी जो मेडिकल फैक्टर्स की जो इंफॉर्मेशन, जो पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए हमें। और इसमें हमारे साथ शामिल होते हैं एक पेशेंट की ऑटोनॉमी की रिकॉग्निशन, उसकी एम्पेसिस ऑफ बेनिफिट्स, दूसरा उसकी नॉन मेलिफाइनेंस, और दूसरा जो जस्टिस है, सारी चीज़ें इन हिस्ट्री टेकिंग के इन उसूलों में शामिल है। और ये एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, ताकि वो इसको वायरल होने से, और दूसरा जो दूसरी पॉजिबल ब्लड बर्न इन्फेक्शन है, उसको हमेशा उस पर कंसिडर हो सके, और उस पर अप्लाई हो सके, और उसको एक कॉन्फिडेंशियल रख सके। और ये एक हिस्ट्री टेकिंग जो है एक अहम, और डॉक्टर को हमेशा स्माइल करना चाहिए और मरीज़ की जो पूरी बात है उसको सुनना चाहिए, मरीज़ क्या क्या सिम्टम्स है, और कभी उसकी सिम्टम्स पर पार्ल्स कमेंट्स नहीं करना चाहिए।